तो वैसे 2020 का जमाना है, 2020 ही चल रहा है, 2020 फिलहाल तो कोरोना के नाम पर है। अभी सनी भाई सुनील गावस्कर हमारे साथ थे, ई सलाम क्रिकेट का पहला सेशन था। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं कुलचा जंक्शन। कुलचा जंक्शन में जैसे मैंने कहा, एक है जबरदस्त पेंटर, उन्होंने पेंटिंग बड़ी जबरदस्त की है, और दूसरे जो है वो चेस चैंपियन है, तो चेस भी खेल रहे हैं उधर वो पेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन इनका नाम है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, यानी कि कुलचा, आप दोनों के फेवरेट बॉलर्स मेरे साथ हैं। और कुलदीप भाई, मैंने सुना है बड़ी जबरदस्त पेंटिंग की आपने इस दौरान। पाजी कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच पाजी। लॉकडाउन में पहले जैसे ही स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगा क्योंकि इतने दिनों बाद गैप मिला, फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिला। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, तो फिर थोड़ा सा आप जब आप किसी प्रोफेशन से आप जुड़े हो, अगर वो चीज़ आपकी ना हो तो आप बोर भी फील करने लगते। फिर नई चीज़ें मैं ट्राई कर रहा था, और पेंटिंग जो मेरी स्किल बचपन से रही है, और जैसे जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो उसके बाद पेंटिंग वो छूट गई, फिर कभी मौका नहीं मिला ट्राई करने का। तो इस लॉकडाउन में मैंने पेंटिंग फिर से हाथ आजमाए, और लकीली वो जो टच था वो गया नहीं हाथों से। पहली स्टार्टिंग जो की थी तो नॉर्मल पेंटिंग से बनाई थी, फिर उसके बाद पेंटिंग अच्छी बनाने लगा, तो काफ़ी सारी मैंने पेंटिंग बनाई, 6-7 पेंटिंग बनाई इसी दौरान इस लॉकडाउन में। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो एक जो स्किल होती है किसी भी चीज़ की, वो जल्दी जाती नहीं है। तो ये लॉकडाउन काफ़ी अच्छा रहा, फिटनेस पे काफ़ी काम किया इस दौरान, और एट द सेम टाइम काफ़ी इंजॉय किया इस लॉकडाउन को। तो कोई पेंटिंग है आसपास पड़ी हुई? क्योंकि मुझे दिख रहा है युजवेंद्र देख रहे हैं आपको, वो शायद पेंटिंग देखना भी चाहते हैं। पेंटिंग पाजी मुझे देखनी पड़ेगी, एक जस्ट मिनट में दिखाता हूँ आपको पेंटिंग। चलिए आप पेंटिंग ढूंढिए, तब तक मैं चेस चैंपियन के पास चलता हूँ। युजवेंद्र, बहुत दिन हो गए आप चेस खेलते हैं, अंकल के साथ भी खेल रहे हैं आप, पबजी भी खेल रहे हैं, और क्रिकेट कब शुरू होगी हमारी? क्रिकेट तो भैया, पहले सबसे पहले थैंक यू आपको इनवाइट करने के लिए हमें, और क्रिकेट तो भैया मिस कर ही रहे हैं कि आई थिंक 2-2.5-3 महीने हो चुके हैं, और आई थिंक अब थोड़ा सा इरिटेशन आने लग गया है कि कब स्टार्ट होगा, क्योंकि आप जिम भी कितना करेंगे, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक चीज़ जो स्पेशली जो मिस हो रही है वो क्रिकेट हो रही है। और आई थिंक अब मतलब एक काफ़ी अब हो गया है कि मतलब ठीक है लॉकडाउन हो गया, पर जल्दी से थोड़ा सा कहीं ऐसा एक ग्राउंड मिल जाए जहाँ पे जाके मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूँ। सही बात है। अच्छा, पेंटिंग आ गई है युजवेंद्र, पेंटिंग आ गई है, पेंटिंग देख लीजिए जरा। इसने मुझे सारी पेंटिंग दिखाई है, लेकिन मेरी पेंटिंग अभी तक नहीं भेजी है और ना मेरी पेंटिंग बनी है। अच्छा, मैं भेजूंगा। नहीं, बनी है कि नहीं बनी है, वो तो ये जानना चाहते हैं कि बन चुकी है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल बनी है, ये काफी सारी पेंटिंग है। अरे अमेजिंग। और सबसे लास्ट पेंटिंग मैंने जो बनाई थी वो नेमार जूनियर की मैंने पेंटिंग बनाई थी। अरे वाह। और एक पेंटिंग और है, वो बहुत स्पेशल है, वो शायद मैं दिखा नहीं सकता अभी। और अच्छा। वो थोड़ी चीज वो था, और वो मैंने कैप्टन और ये सारी पेंटिंग बनाई है मैंने, बहुत टाइम लगा इसमें क्योंकि एक जो क्राइसिस अभी चल रहा है, हमारी जो पेंडेमिक चल रही है उसको लेते हुए भी एक पेंटिंग मैंने बनाई थी, कोरोना वायरस को, एक मास्क पहनता हुआ आदमी और आसपास वायरस, तो ये पेंटिंग भी बनाई थी मैंने। तो इसी में टाइम मैंने काटा, और क्योंकि एक पेंटिंग बनाने में 5-6 घंटे लगते हैं और फोकस बहुत चाहिए, क्योंकि ये सारी वाटर कलर से किया है मैंने, क्योंकि उस पर एक भी मिस्टेक होती तो बहुत टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। तो बहुत जबरदस्त काम किया आपने यार, जबरदस्त किया है। और अच्छा, एक बात है, वो मियां बीवी की जोड़ी वाली बात है आप दोनों की, मैं जब जब चहल से बात करता हूँ वो तीसरी बात आपके मुतल्लिक करते हैं, आपसे बात हो तो आप चहल के मुतल्लिक करते हैं। ये जोड़ी कितनी पुरानी है भाई? इंडिया की टीम के लिए तो अभी से आप 2-2.5 साल से एक साथ खेल रहे हैं, वैसे ये जोड़ी कितनी पुरानी है आप दोनों की? काफी टाइम हो गया, जब मैं मुंबई इंडियंस में पहली बार मैं गया था, सिलेक्शन होने से पहले ही मैं मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम मैं चहल से ब्रेकफास्ट में मिला था। अच्छा। जब मैं मुंबई इंडियंस का सिलेक्शन के लिए गया था, और हम लोग शायद रिलायंस टावर पे रुके हुए थे, तो चहल डीवाई पाटिल खेल रहा था रिलायंस की टीम से, और तब मैं सिलेक्शन के लिए गया था, वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए गया था, तब मैं पहली बार मिला था।
फिर वहीं से जान पहचान अच्छी बनी, और पहले दिन से ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है बात अच्छे से, कि मैं तो छोटा था तो बहुत अच्छे से मुझे बहुत रिस्पेक्ट चहल भाई ने दी वहाँ पे, और उसके बाद से बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा बाउंड बना वहाँ से, और बहुत केयर करता है मेरी छोटे भाई की इतनी तरह रखता है, अगर मैं कभी गलती भी करता हूँ तो मुझे समझाता भी है, और बाकी क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अपनी शेयर करता है, और एक बड़े भाई के नाते हो जैसे कोई भी मैं गलती करता हूँ कहीं भी, लाइफ को लेके भी बहुत सारी डिस्कशन करता है, अपने आइडिया देता है और अच्छी चीजें बताने की कोशिश करता है, हमेशा समझाता रहता है, तो ये ऐसी चीज है जो एक तो बड़ा भाई समझ सकता है, और उसकी उसी तरह से मुझे जब भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हमेशा बात आके बात करता है, और इसीलिए हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है, और जो बॉन्डिंग है वो ग्राउंड पे भी दिखती है और ऑफ द फील्ड भी दिखती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चहल की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए हैं, इतनी सेंटी बात कर दी है कुलदीप ने, इतनी तारीफ हो गई है, बस मेरा मेरे लॉकडाउन में रहना सफल हो गया सफल हो गया आज, सही बात है। है। नहीं लेकिन आपका लॉकडाउन वो कैसा डायलॉग रहा? आता ना कि पगले रुलाएगा क्या। हाँ नहीं आपका आपका कैसा चहल रहा? चहल लॉकडाउन कैसा रहा, पाजी पूछ रहे हैं? क्या क्या वॉइस नहीं आ रहा पाजी का। नहीं, मैं कह रहा था कि लॉकडाउन आपका आपका कैसा रहा? एक्सरसाइज आपके वीडियो सारे हम देखते हैं, आप उसके अलावा चेस खेल रहे थे अंकल के साथ, आपने पबजी बड़ा खेला है, तो आपने डांस इस डांस वक्त भी को किया कैसे अंकल जी निकाला? के अरे अमेजिंग अमेजिंग, आंटी भी थी उसमें साथ। वैसे बाय द वे। हाँ घर को पूरे नचाया इसने। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहा था, 2 वीक्स थोड़ा सा रहा था कि कभी इतना रुके नहीं, थोड़ा सा कि आप एटलीस्ट आप घर पे होते तो आपको होता है कि आप बाहर जाओ, पर उतना कुछ हुआ नहीं। तो 2 वीक्स के बाद थोड़ा सा फिर हुआ कि फैमिली टाइम, क्योंकि मेरे को 10-15 साल के बाद मैं ऐसे रुका हूँ फैमिली के साथ। फिर मैंने अपना जिम का इक्विपमेंट मंगवाया, तो मैं रोज सुबह अपना करता हूँ, 6 बजे करता हूँ, और शाम को या तो फिर थोड़ा शाम को करता हूँ, थोड़ा गर्मियाँ हो गया तो कोशिश करता हूँ कि सुबह ही अपना वर्कआउट कर लूँ। फिर बीच में थोड़ा सा चेस के लिए मैंने चैरिटी किया, जो हमारे समय कॉमेडियन है उनके साथ मिलके, तो वहां से फिर मेरा चेस के लिए थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो अब कभी कभी मैं ऑनलाइन खेल लेता हूँ जब भी टाइम लगता है, या उनकी स्ट्रीम पे जाके हम थोड़ा फन करते हैं, खेलते हैं, डैड के साथ खेल लेता हूँ। और वो थोड़ा सा डांसिंग वीडियो ये था कि पहले थोड़ा सा एक फैमिली बॉन्डिंग हो गया था, कि मैं पहले से थोड़ा स्टार्ट किया था बनाना, तो उनको यह था कि हमारे साथ भी बनाए, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और अभी तक एक अच्छा चल रहा है कि एक एक जो, क्योंकि मैंने नया घर बनाया और यहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ नवंबर में, तो टाइम नहीं मिल रहा था रहने का, लेकिन एटलीस्ट ये कि एक अब जो फैमिली टाइम मैं हमेशा मिस करता था वो अब पूरा हो रहा है। और आप लोग क्योंकि क्रिकेट का इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए एक तो विश्व क्रिकेट अगले महीने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का वो टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, और सब देखेंगे कि किस तरह से कोरोना के दौर में अब इस बीमारी के साथ क्रिकेट कैसी खेली जाएगी। आज एक और बड़ी खबर आई है जिसे आप पॉजिटिव गिन सकते हैं, वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पिछले एक महीने से मना कर रहा था कि हम नहीं करा सकते वर्ल्ड T20, नहीं करा सकते, फिर ICC ने कहा थोड़ा और वक्त दे दो, लेकिन आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, चूंकि उनके 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 केसेस बड़े कम होते जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया में अगर 40,000 कैपेसिटी का ग्राउंड है तो 10,000 क्राउड भी जा सकता है। इसका मतलब है वहां पर हालात बेहतर हो रहे हैं। आपको लगता है कि वर्ल्ड T20 अगर वाकई में इस साल हो जाए तो फिर आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड T20 होना लग रहा था कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अब मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल, जैसे आई थिंक कि काफी अच्छी न्यूजीलैंड न्यूज में है। बोल बोल कुलदीप चहल बोलिए। चहल गो फर्स्ट सीनियर प्लेयर, हेलो। हाँ जी हाँ जी चहल बोलो, चहल आप स्टार्ट कीजिए ना चल। हाँ, तो मतलब ये काफी अच्छी न्यूज है भैया, क्रिकेट क्रिकेट के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि कोई सी भी सीरीज हो क्रिकेट अगर स्टार्ट हो तो काफी अच्छा, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होती तो IPL खत्म होता और हमें 1 वीक का रेस्ट मिलता है, देन वापस श्रीलंका टूर, एशिया कप और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप, और आई थिंक क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है मतलब धीरे धीरे स्लोली, और एक वो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो चाहे IPL से स्टार्ट हो या किसी भी सीरीज से या वर्ल्ड कप से हो, तो एक काफी एक वो एक फीलिंग आएगी जो चीज हम मिस करते हैं हमेशा एज ए क्रिकेटर, कि ग्राउंड पे जाना,
जो एक एक टीम जो एक फैमिली बन गई है उनके साथ साल में 260 दिन रहना, तो अभी वो चीजें मिस हो रही थी। और एक काफी एक अच्छी न्यूज है कि जैसे गांगुली सर ने कहा कि वो भी ट्राई कर रहे हैं कि आईपीएल जल्दी से जल्दी हो, और ऊपर से ये न्यूज आ रही है तो एक पॉजिटिव साइन आ रहा है, क्योंकि काफी 2-2.5 महीने जो नेगेटिव थिंग में गए थे, एक ये पॉजिटिव साइन बहुत अच्छा है कि चाहे वो थोड़ा टाइम लगे, चाहे 1-1.5 महीना और लगे, लेकिन क्रिकेट वापिस आ रही है। कुलदीप? बिल्कुल बिल्कुल। और क्रिकेट खेलना ही चाहिए, और क्रिकेटर चाहता है कि क्रिकेट खेले, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी स्टेट के लिए खेल रहा हो, क्लब के लिए खेल रहा हो, बस वो ग्राउंड पे उतर के खेलना चाहता है। चाहे वो आईपीएल हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, या फिर कोई भी सीरीज हो। और काफ़ी टाइम हो गया है क्रिकेट स्टार्ट करे हुए, और काफ़ी गैप भी हो गया है, और एक टीम के साथ खेलने में वो जो फीलिंग होती है वो बहुत मिस हो रही है। और एक अच्छा साइन है, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में केसेस काफ़ी कम हो गए, काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है, तो इसकी वजह से शायद T20 वर्ल्ड कप की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हर जगह से पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, और बहुत से कंट्रीज ने ऑफर भी किया है कि अगर आप नहीं करा सकते तो हम कराने के लिए तैयार है। तो ये हर जगह से चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, हर जगह से मौका आ रहा है खेलने का, और मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम शायद लगेगा, 1-1.5 महीने, और उसके बाद शायद क्रिकेट प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म में आ जाएगी, तो बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। सही बात है। और एक कुलचा की जोड़ी जो है, आप वर्ल्ड कप में भी थे, मुझे याद है, मैं भी था, और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था जिस तरह से मैनचेस्टर में भारत सेमीफाइनल में हार गया। वर्ल्ड T20 के लिहाज से आप दोनों इंडिया के चांसेस को कैसे देखते हैं? आई थिंक हमारी काफ़ी अच्छी टीम है, और एक प्लस पॉइंट है कि हमारी जो स्ट्रेंथ जो आईपीएल के बाद बढ़ी है, कि बेन स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद भी अगर जो प्लेयर सेलेक्ट नहीं होते या जो होते हैं वो भी एक कैपेबल रहते हैं कि खेलने के लिए। और आई थिंक ओवरऑल टीम देखी जाए तो ऑलराउंडर से लेके बैट्समैन से लेके, स्पेशली हमारे जो 2-3 साल में हमारे मीडियम पेसर जो कर रहे हैं, आई थिंक हम तो ये मेरी अगर मुझसे आप पूछोगे तो आई थिंक हम नंबर 1 रहेंगे कंटेंडर। अरे वाह, वेरी गुड कुलदीप। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होना है, और विकेट काफ़ी अच्छे हैं, ग्राउंड भी बड़े हैं, तो स्पिनर्स का बहुत रोल प्ले माना जाता है वहाँ पे, और स्पिन अटैक हमारा अच्छा रहा है हमेशा से, और बैटिंग भी हमारी बहुत ऊपर है, और एज ए टीम बहुत अच्छा खेलते हैं, और ये चीज़ शायद हमने 3-4 साल में, एक जब से मैं खेल रहा हूँ, वो चीज़ शायद एक आई है कि टीम की तरह खेलना है, क्योंकि टीम को हमेशा आगे रखते हैं, और जिस तरह से चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे हो, T20 फॉर्मेट, एक टीम की तरह खेलते हैं, और हमारे चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। और होपफुली, और मैं चाहता भी यही हूँ कि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हो और ट्रॉफी लेके आए। ट्रॉफी लेकर आए। अच्छा, अब दोनों की एक हल्की सी पोल मैंने कल मुझे पता चली, मैं खोल दूं अगर आपकी इजाज़त हो। कल सुरेश रायना से बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि आप दोनों जब बात करते हैं तो एक लफ्ज़ का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, वो है कांटे। कांटे क्या चीज़ है? ये कुलदीप बताएगा। कांटे ये क्या है ये कांटे? उन्होंने मुझे यही कहा था कि जैसे ही आप कांटे कहोगे तो दोनों जो है सिर इधर उधर ही करेंगे, वही हो रहा है। एक वर्ड है, अब मुझे भी वो पता है एक अपोजिट वर्ड वर्ड है। है किसी चीज का, वो अपोजिट वर्ड है, क्योंकि अब कभी कभी होता है कि कोई चीज हम बोल नहीं पाते तो उसको अपोजिट वर्ड बोलते हैं, तो अच्छा कांटे कांटे एक ऐसा वर्ड है जो हम उसका अपोजिट बोलते हैं, तो ये इसीलिए काफी यूज करते हैं ये वर्ड। अब ये जिस आप टोन में करते हैं वो ये चैल करते हैं? तीनों लोग, रैना भाई भी, हम लोग बहुत काम यूज करते हैं, क्योंकि जिस जिस लिहाज से वो बोलते हैं कांटे, तो वो अलग टोन में आता है, तो युजवेंद्र वो थोड़ा अलग रखता है। तो जी, आप भी बताइए ना, ये कांटे क्या चीज है? कुलदीप ने तो बताया नहीं है वैसे। मैं भी आपको कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, पर्सनली अच्छा। मैसेज कर दूंगा आपको, तो फिर मैं आपसे जब ये वापस क्वेश्चन पूछूंगा भैया, आप मुझे उसका मतलब बताइए, तो फिर मैं देखता हूँ आप बता पाते हैं तो मैं भी या आपको यही कहूंगा कि मैं मैसेज कर दूंगा। और एक चीज और है पाजी, मैंने इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी नई चीजें तो की, इसके साथ ही साथ में मैंने पजल और पहेलियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया है, तो अच्छा हाँ, तो मैं इन सब, जैसे जैसे हमारा सर्कल है जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे, तो हम लोग काफी ये खेलते हैं, पहेली पजल पूछना, ये फिर आंसर उसका लाना, तो
तो ये भी काफी मैंने किया है तो आज तो है। आज तो आपके आपके बड़े भाई आपके साथ ही हैं, तो आप एक आधी पहेली इनसे बुझाइए ना, देखते हैं। चहल से मैं एक पहेली पूछता हूँ। चलिए चहल एक चले मैं और तुम रोहित भाई के घर गए और दोनों को वाईफाई पासवर्ड चाहिए। तो हाँ रोहित भाई ने बोला, फिर हम लोगों ने बोला कि वाईफाई पासवर्ड क्या भैया। तो रोहित भाई ने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, पासवर्ड जो है वो वही है पर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो पासवर्ड क्या है? और उसको जो प्रोनाउंस करेंगे उसको ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। टाइम लगेगा इसमें ओके, तो यूजर थोड़ा। यही है 1 2 3 और पासवर्ड ही है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसको प्रोनाउंस जब करेंगे, उसको जब बोलेंगे तो वो इसी टोन में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यार ये मैं ये पहली तो मुझे पहले मैसेज नहीं कर सकता था। नो अब तू क्लू, मुझे आंसर आंसर देना इसको, जब बाद में सोच के देना। तू ही बता दे, तू ही बता दे। तो आंसर इसका ऐसे है, इसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट भी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड है, तो वन वन पहले आएगा फिर टू आएगा, तो जो टू है वो वन है, जो टू को लिखा है वो वन एक बार है वो, तो 1 2 3 जो आएगा वो 4 बार है, जो 3 को 3 जो है वो 4, जो अगला जो नंबर है 4 वो 3 बार आएगा, 1 2 3 4 मतलब 3 4, तो मतलब चार वन तीन टू बार, एक वन दो टू बार दो थ्री और फोर मतलब तीन नहीं नहीं चार नहीं बार। नहीं हाँ नहीं 3 नहीं 3 नहीं, 3 भी 4 बार ले लो, फिर 4 3 बार आएगा, फिर 5 6 तो मतलब 6 5, 6 बार बड़ा दिमाग छ चाहिए इसके पांच लिए। बार, फिर 7 8 तो अच्छे तो 8 बार लॉकडाउन में सेवन। है नहीं, और इस तरह का पासवर्ड कोई रखे भी ना, इस तरह का नहीं अच्छा है पासवर्ड तू कोई रखे भी लॉकडाउन में ये है, चहल सच्ची में बता रहा हूँ मैं अपना। चहल को मैंने ये दिया है पासवर्ड की, यार रख लेना क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या है, तो ये लोग वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 कनेक्ट ही नहीं होगा बस। अपना 4G यूज कर लेंगे बता रहा हूँ मैं, अगर मैं ऐसे पासवर्ड रखूंगा तो। सही बात है। अच्छा, ये कुलचा को, जो कुलचा लफ्ज इजाद हुआ, कि ज्यादातर लोग कुलचा कहते थे, फिर किसी ने चाकू भी कहा, आप लोग भी इससे पहले इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं या टीम में इस्तेमाल होता है? ओ भाई वो कुलचा कहाँ है, दोनों को बुला के लाओ, क्या ऐसा होता है या सिर्फ हमारे फैंस के लिए है ये कुलचा? मुझे नहीं लगता कभी कोई कभी टीम। बोल देते हैं टीममेट्स वगैरह बोल देते हैं, और या रवि सर कभी बोल देते हैं अच्छा कि क्या कुलचा की जोड़ी है, तो वो चीज़ एक अच्छी लगती है। और कभी कभी हम जैसे आपस में अगर सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट भी करते हैं तो कभी कभी हम भी लिख देते हैं मैं इसको पुल बुलाता हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी, क्योंकि ये चीज़ आई थी जो साउथ अफ्रीका टूर के बाद, जहाँ से अगर देखा जाए तो रियल हमारा जो मेरा और कुलदीप का इंटरनेशनल में क्रिकेट करियर स्टार्ट हुआ था आई थिंक, और उस टूर से हम और ज़्यादा क्लोज आ गए थे, क्योंकि हम जो चीज़ें शेयर करते थे, टाइम ज़्यादा स्पेंड करते थे, और जो क्रिकेट की बात डिस्कस होती थी, आई थिंक उस टूर पे सबसे ज़्यादा हुई है, तो आई थिंक ये नाम काफ़ी क्लोज रहेगा हमेशा। आपकी डांस क्लासेस कैसी चल रही हैं बाय द वे, मैं पूछना ही भूल गया आपको। क्या भैया डांस क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी? डांस काफ़ी अच्छे डांस कर रहे हो आप, अच्छे मूव दिखा रहे हैं, हाँ थोड़ा नहीं, इनकी डांस क्लासेस बताएं। चल रही हैं ऑनलाइन आजकल, वो कैसी हाँ चल हाँ रही मुझे हैं? पता है। नहीं मेरी डांस, मैं बचपन से एक शौक था कि पहले होता था कि चलो डांस कर लेते, मैं ठीक ठाक डांस कर लेता था, पर वो मुझे बीट्स वगैरह का पता ही नहीं लगता था। अच्छा फिर जब मेरे माइंड में आया, जो मुझे सिखा रही हैं वो कोरियोग्राफर हैं धनश्री वर्मा जो मुंबई में है, तो वो रोज मेरे को, जब मेरे को सीखना था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे ऐसा सीखना है, तो अब मेरी जो क्लासेस होती है वो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे होती हैं, और संडे को भी हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं कि साथ में डांस का, और आप उसको ऑनलाइन में भी आके आप ज्वाइन कर सकते हो, डांस सीख सकते हो, तो आई थिंक ये नया चीज़ मैंने सीखा और मैं इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि और उसमें क्या है कि एक प्रॉपर वर्कआउट भी हो जाता है आपका। नहीं तो फिर आप मुझे बताइए, जी मैं भी ये ऑनलाइन क्लासेस ले लूँगा, थोड़ा बहुत मैं भी हिल डुल लूँगा। गाने गुने के भी तो काफ़ी शौकीन हैं आप दोनों, मैंने सुना है। किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं और किस तरह के गाने आप गाना मुझे पसंद सुनने का करते हैं? शौक है, मुझे सुनने का शौक है, कुलदीप को गाने का शौक है, और चलो कुलदीप को मतलब जो इसका गाने का, आहा इसकी जो चॉइस है ना, वो चीज मुझे ही पसंद है, क्योंकि मुझे भी पुराने गाने पसंद हैं और इसे भी पुराने गाने पसंद है, लेकिन ये जिसके जो गानों की लिस्ट है ना वो सुन के मजा आता है। चलो, बामुलाहिज़ा पेश की जाए।
आज तो लोग देखना चाहते हैं, मुझे गाना गाना है। अच्छा नहीं मैं काफी पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है, और जब भी मुझे एक गाना वाना गाना हो तो मैं पुराने गाने गाता हूँ। और मेरे मेरा एक सबसे फेवरेट गाना है आनंद मूवी का, जो मुकेश जी ने गाया गाना है, और वो मुझे बहुत पसंद गाना है। तो मैं वो कभी कभी मैं ग्राउंड पे भी गुनगुनाता रहता हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं, पर भी ट्राई करूंगा। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कमाल है यार, कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और शायद ये गाना भी जो है आज के दौर के लिए है, क्योंकि मुश्किल दौर से तो हम सब गुजर ही रहे हैं, आप भी, बिल्कुल हम भी, और जो देखने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल अब भैया, बात वही है कि कहाँ पर जाकर ये जो कर्व की हम बात करते हैं वो रुकेगी, कब बेहतर होंगे हालात, क्रिकेट का खेल कैसा आएगा, क्रिकेट का खेल कैसा होगा। जाते जाते एक एक सवाल आप दोनों से कि ये जो सलाइवा बैन है, जो थूक नहीं लगानी है, क्या उससे सिर्फ तेज गेंदबाजों को नुकसान है या आप दोनों स्पिनर्स को भी नुकसान होता है? नुकसान तो भैया बॉलर को रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो मिडिल ओवर में जो एक ड्रिफ्ट मिलता है, आई थिंक जो स्लाइवर से एक जो होता था, आप एक साइड शाइन करके जो आप वो ड्रिफ्ट यूज करते थे, अगर बिल्कुल वो चीज नहीं होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा, क्योंकि जब तक एज ए स्पिनर अगर वो ड्रिफ्ट और टर्न नहीं मिलता तो आपकी बॉलिंग में वो क्वालिटी नहीं आती। तो आई थिंक जब तक उसका सोल्यूशन, जब तक ग्राउंड पे पहुंचेंगे नहीं हम कि ट्राई करें कि नहीं यूज करना है, तो उसका कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है। तो और आई थिंक जो मिडिल ऑर्डर में जो हम कई बैट्समैन, मैनर कुलदीप ने आउट किया है ना, वो ड्रिफ्ट से भी बहुत आउट किए हमने, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो स्पिनर्स के लिए और मीडियम पेस के लिए ऑब्वियसली वो एक बहुत ही एक मतलब बहुत ही एक वो लैक वाली चीज़ हो जाएगी, कि आप बॉल का आप शेप अच्छा नहीं है या बॉल बहुत पुरानी हो गई है। जो एक निप मिलता है जब बॉल अच्छा सॉफ्ट शाइन हो होता जाएगा ना है, तो बॉल, आई थिंक सॉफ्ट वो भी हो चीज़ मिस जाएगा, रहेगी। सॉफ्ट भी हो जाएगा कुलदीप गेंद। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि क्योंकि हमारी सब बचपन से आदत होती है सलाइवा यूज करने की, तो उसको पहले हटाना अपने डेली रूटीन से वो बहुत मुश्किल होगा। एट द सेम टाइम स्वेट हम यूज करते हैं, स्वेट पर बॉल को भारी कर देता है, तो स्वेट यूज भी करेंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं इतना अगर हम सलाइवा यूज करते हैं। और ड्रिफ्ट बिल्कुल, ड्रिफ्ट तो बिल्कुल नहीं होगा बॉल, अगर शाइन नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा तो बॉल ड्रिफ्ट नहीं होगा। एयर में बैट्समैन को फंसाना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बॉल फिर एक पेस में आएगा, बॉल डिप नहीं करेगा, तो कभी ना कहीं बहुत टफ रहेगा आपके लिए। पर वाइड बॉल में आप सर्वाइव भी कर सकते हैं, पर रेड बॉल में बहुत मुश्किल होगा। रेड बॉल में स्पिनर को अगर बॉल शाइन नहीं मिलेगा तो बहुत इजी रहेगा बैटिंग करना। फास्ट बॉलरों के लिए डिफिकल्ट है, पर एट द सेम टाइम स्पिनर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहेगा अगर बॉल मेंटेन नहीं हुआ तो। इसीलिए बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बॉल मेंटेन करना है, शाइन करना है, शाइन करना है। अगर वो चीज़ अगर मिसिंग रहेगी तो पूरा गेम बैट्समैनों का मुझे ऐसा लगता हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये तो कुलचा की जोड़ी है ना कोई तरीका तो आप लोग इजाद कर ही लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। ई सलाम थैंक यू, क्रिकेट आज पूरे दिन का थैंक यू भैया, कैप्टेन है, थैंक यू क्योंकि सो क्रिकेट मच। एक बड़ी चीज़ है ना हिंदुस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिकेट से कोरोना वायरस डर जाएगा, भाग जाएगा, ये दवा नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों को रास्ता आप लोगों के जरिए मिल जाएगा। कुलदीप यादव और यशवेंद्र चहल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला थैंक यू सेशन भाजी, थैंक यू बहुत भैया, जल्दी, नहीं थैंक यू वेरी मच, और अगला सेशन आप लोग भी देखिए, स्पोर्ट्स तक पर ही लाइव रहेगा, उसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन रहेंगे, मदन लाल रहेंगे, आरपी सिंह रहेंगे। क्रिकेट का फ्यूचर क्या है, हम डोमेस्टिक क्रिकेट की भी बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात करेंगे, लेकिन आप लोग दिन भर आज हमारे साथ बने रहिए।